हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सलमान सारी व्लॉग पर। जैसे कि आज हम आए हैं बुलंदशहर के ये गांव आए हैं दौलतपुर कलान गांव में। दोस्तों यहां पे जो कि पुराना किला यहां पर हुआ करता था, आज उसके नाम पर महज एक खंडर सा बाकी रह गया है। और आपको दिखाते हैं इसका अंदर चलकर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये उस किले का गेट हुआ करता था। काफ़ी खूबसूरत गेट है, आप देख रहे हैं ये गेट है उस किले का। और दिखाते हैं, बाकी तो सब मिट्टी का एक ढेर बनकर रह गया है ये किला। और बहुत ही खूबसूरत, जो कभी पहले यहाँ सजा धजा रहा करता था, आज वो सिर्फ मिट्टी का ढेर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर और कुछ भी अब बाकी नहीं बचा है। और दिखाते हैं इसका पीछे का हिस्सा आपको चलकर। देखिए एक वो छोटा सा दरवाज़ा आप देख रहे हैं सामने, जो बच्चे खेल रहे हैं। और इधर से दिखाइए, इधर तो घूम जाओ। देखिए ये मेन गेट हुआ करता था गाइस उस टाइम पर। ऐसे ही हम ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए वीडियो लाते हैं। देखिए ये मेन गेट हुआ करता था, करीब ये 400 से 500 साल पुराना ये दरवाज़ा है, जो महज एक दरवाज़ा रह गया है। कई ईंटें जैसे कि आप देख रहे हैं, और हम इसे बारीकी से आपको दिखाते हैं तो आप देखेंगे ये कई ईंटें हैं सब दोस्त, कई ईंटें हैं और इसका बना हुआ ये दरवाज़ा। अब चलते हैं आपको इसके सामने वाले दीवान खाने में। जो दीवान खाना क्या हुआ करता था दोस्तों, उस वक्त के हिसाब से जो बादशाह हुआ करते थे दिल्ली में, जो बादशाह थे मुग़ल एम्पायर, वो नवाब बनाकर भेजा करते थे इनकी लगान वगैरह के लिए। जो लगान उस वक्त में जमा होता था किसानों द्वारा, वो उसको उगाही करते थे और उसके खाते वगैरह एक दीवान खाना है सामने, उसमें रखा करते थे। तो लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं उसका व्यू। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये उस वक्त का दीवान खाना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर, ये दीवान खाना हुआ करता था, जहाँ ये कागज पत्थर ये लगान के हुआ करते थे, वो रहा करते थे। तो लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं, आइए देखिए। ये उसी ज़माने का बना हुआ दीवान खाना, पत्थरों की इसकी दीवारें हैं जो आप देख रहे हैं। और नज़दीक से आपको दिखाएं, देखिए उस वक्त में ईंटें वगैरह नहीं होती थी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पत्थरों की दीवारें हैं। और लेकर चलते हैं इसके ऊपर हम आपको और दिखाते हैं दीवान खाना। देखिए दोस्तों, देखिए ये सब यहाँ का व्यू। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस किले के अंदर एक ऐसी सुरंग है जिसमें जाने से गांव वाले भी घबराते हैं और उसके अंदर नहीं जाते हैं। और आज हम उसको आपको दिखाएंगे उस सुरंग में जाकर। इसी में एक सुरंग है जो हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये काफ़ी पुराना दीवान खाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए आप इसे देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, वीरान पड़ा हुआ आज और खंडरों में तब्दील। देखिए और नज़दीक से आपको दिखाएं, देखिए दोस्तों, देखिए ये दीवान खाना है। और अगर हम इसे नज़दीक से देखते तो यहाँ पर कोई एक कमरा है ये जी। और देखिए वक्त के साथ धाराशाही होता एक किला बजाते से। देखिए 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 दोस्तों, ऊपर बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ है ये। और नज़दीक से आपको दिखाते हैं, देखिए ये है। देखिए तो दोस्तों चलते हैं लेकर आपको और थोड़ा अंदर। देखिए ये है पार्टीशन है सारे। देखिए अब चलते हैं ऊपर लेकर, यहां पर एक जीना है। देखिए काफी पुराना ये किला है, जैसे हम मैंने आपको पहले बताया था। इस वक्त के साथ सब धाराशाही होता और खंडर होता दिख रहा है। देखिए
देखो कैसे कैसे बड़े स्तंभ हैं, और हम इसे नज़दीक से दिखाते हैं आपको बारीकी से। कभी ये किला सज धज कर एक दुल्हन की तरह रहा करता था, जो आज पूरा वक्त के साथ धराशाही हो रहा है। ऊपर का व्यू दिखाओ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं चित्रकारी, वो भी आप देख रहे होंगे उस ज़माने की है ये। इस पर रंग बिरंगे कलर भरे जाते थे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और आपको दिखाते हैं आगे लाइव लाओ, देखिए यह हॉल हुआ करता था उस वक्त का, काफी खूबसूरत शानदार। देखिए व्यू दिखाओ, ये वक्त के साथ धराशाही होता। ये आलीशान किला जैसे मैंने पहले बताया, देखिए सामने जो आप देख रहे हैं ये कितनी बड़ा बढ़िया कलाकृति हुआ भी है उस जमाने की। बड़े शौक से लोग यहाँ रहा करते थे कभी, और आज ये सब आपके सामने है। देखो ये थंब है गाइस, जो देख रहे हैं आप, ठीक। तो दोस्तों जैसे कि हम इसे और नज़दीक से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले जो आप ये फ्रेम बना हुआ देख रहे हैं, ये सब फ्रेम, इसमें पहले जो है अगर राजा रानी थे उनकी तस्वीर लगी हुई थी, यानी कि उनकी फ़ोटो वगैरह कुछ ऐसे लगी हुई थी। एक इधर है और ऐसे एक उधर है, जो यहाँ पर के मालिक थे पहले कभी, उनकी तस्वीर लगी होती थी जैसे कि आप देख रहे हैं। और आपको लेकर चलते हैं और बाहर दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे यहाँ की प्राचीन ये इमारत, ये किला जैसे आप देख रहे हैं, ये प्राचीन किला कभी आलीशान हुआ करता था, जैसे कि आज आप देखो वक्त के साथ ये सब धराशाही हो चुका है। और थोड़ा सा दिखाते हैं आपको आगे चलकर, ये देखिए, ये देखिए लिया, देखिए अभी दोस्तों आज की डेट में हम देखें तो ये सब बंद कर रखा है। ये हॉल उनके कमरे हुआ करते थे रहने के, जो आज बंद हैं। देखिए ये सब वही कमरे हैं, देखिए ये सब वही कमरे हैं, और यही ये पूरे इलाके में यही किला फैला हुआ है। देखिए ये पूरा किला फैला हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये पूरी किले की ही जमीन है, ये सामने रानी राजा का बेटा का घर है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कभी दुल्हन की तरह सस्ता था महल आपके सामने, और आज वो इस तरह वीरान पड़ा है, खंडरों में तब्दील होता हुआ किला। ये हमारे देश की विरासत है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं आपको जूम करके और दिखाता हूँ इसको, किस कदर खूबसूरत एक महल हुआ करता होगा। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं दूसरी मंजिल पर, देखिए ये पूरा कभी बहुत आलीशान किला हुआ करता था। और दिखाते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, ये सामने गेट है, ये गेट बहुत बड़ा गेट है गाइस। ये सामने जो गेट लग रहा है, ये कभी उनके आने का रास्ता हुआ करता, राजा के या रानी के आने का रास्ता हुआ करता। काफ़ी बड़ा गेट है, जहाँ से ऊँट घोड़े वगैरह यहाँ से आया करते थे, जो मेरे सामने ही है इस तरीके का है। और दिखाते हैं इस वाले कमरे में चलकर आपको, आइए देखिए, ये उस वक्त के जो नवाब वगैरह हुआ करते थे, ये उनके बेटे का ये रूम वगैरह है, जो यहाँ पर है किले के सामने ही बिल्कुल, देखिए। और हम जरा इसे नज़दीक से देखते हैं तो पता चलता है कि काफ़ी खूबसूरत इस पर नक्काशी हो भी है, जैसे कि मैं आपको सामने दिखा दूं, रंग बिरंगी नक्काशी हो भी है। देखिए बारीकी से हम देखेंगे तो पता चलेगा बड़ी खूबसूरत नक्काशी हो भी है, जो उस ज़माने की हो भी है, जो आज भी कुछ उसके प्रश्न चिन्ह बाकी रह गए हैं। और ऊपर दिखाना, ऊपर देखिए, ये उसी ज़माने का दोस्तों कलर वगैरह है, जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में ये चित्रकारी हो भी है। ये मेरे ख्याल में कोई ये बेल वगैरह छपी हुई है, पता नहीं क्या है। देखिए ब्लू कलर में उसी ज़माने की है, ये कई सौ साल पुराना का मामला है, कई सौ साल पुराना है ये, जैसे कि आप देख रहे हैं चित्रकारी हुई उस ज़माने की।
और आपको लेके चलते हैं अब ऐसी सुरंग में जैसे क्या था कार। तो दोस्तों अब जाते हैं उस सुरंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गांव वाले भी जाने से घबराते हैं, दिखाते हैं आपको वो सुरंग जो न जाने कहाँ निकल रही है, और लेकर चलते हैं आपको, और दिल थाम के देखिए उस सुरंग को जिसके बारे में हमने आपको बताया था। देखिए तो दोस्तों ये वो सुरंग है जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे, जैसे कि आप देख रहे हैं, रोक देना रोक दे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम नीचे सुरंग में जा रहे हैं इसमें, चलो चलो देखिए चलते राजू नीचे नीचे गिर मत जी, नीचे हो रहा है, चल तो दोस्तों जैसे कि हमने जैसे आपको बताया था काफी खतरनाक ये जगह है, और ये हम आए हैं देखिए देखिए लाओ, अरे कुछ नहीं अंदर, चलो ले मैं दिखा रहा हूँ, चलो चलो देखिए ये सामने शायद जीना वगैरह है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये बहुत खतरनाक चीज है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो, जैसे कि हमने आपको बताया था कि वहाँ पे एक सुरंग है जो हमने तुम्हें दिखाई, ये इतनी भयानक सुरंग है दोस्तों कि गांव वाले भी यहाँ जाने से घबराते हैं, और आपकी खातिर हम इसके अंदर गए और दिखाया, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा था आपने देखा। तो ऐसी वीडियो हमारी देखने के लिए और उसे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके गाइस।